Hi friends, welcome back to Red's Kitchen. Today I am making tomato soup. जो आज हम बनाएंगे टमाटो सूप बहुत हेल्दी और बहुत डिलीशियस है सबके लिए. विंटर्स आ रही हैं तो आप अपने घर में चाहे डेली भी बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और ये विदाउट शुगर है और विदाउट कॉर्नफ्लावर. तो चलो आइए देखते हैं कैसे बनता है. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें 6 टमाटोज, 1 एप्पल और थोड़ी सी गाजर. गाजर ऑप्शनल है. इनको अच्छे से वॉश करके अब हम इनको कट करेंगे. आप रफली कट कर लीजिए इसको. और इसमें आप डालेंगे 1 एप्पल कट करके. और एप्पल का जो मिठास है उसके कारण हमें चीनी नहीं डालनी है. आपने देखा होगा स्वीट जो टमाटो सूप होता है उसमें थोड़ी सी शुगर डालते हैं, तो हम शुगर नहीं डालेंगे. इसकी जगह हम डाल रहे हैं एप्पल. एप्पल अपनी मिठास छोड़ता है. और सीजनली गाजर ले सकते हैं, तो हमने ये वाली गाजर ली है बट ये ऑप्शनल है. और अब इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon जिंजर एंड 1/2 teaspoon गार्लिक पेस्ट. और अब इन सबको कुकर में डालेंगे. और 3 glass मैं इसमें पानी डाल रही हूँ. और इनको अच्छे से बॉईल करेंगे स्टीम देके. आपने इसको विसल भी दिलानी है तो इसको 10 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे पकाने में. और अब इसमें डालेंगे 1 teaspoon सॉल्ट. और स्टीम के बाद 15 से 20 मिनट बाद इसको कूल होने देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे. और एक कढ़ाई में इसको स्ट्रेन करेंगे. तो देखिए अब हम इसको छान रहे हैं. इसको अच्छे से छानना है और साथ में इसको बॉईल करना है और कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है. तो ये अच्छे से इसको स्ट्रेन कर दिया है. और देखिए ये टमाटर के जो बीज हैं ये सब निकल जाएंगे. और जो ग्रेवी है वो पूरी स्ट्रेन हो चुकी है. अब इसको हटा देंगे. अब देखिए ग्रेवी थिक हो चुकी है. इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट तक की बॉईल करना है हाई फ्लेम पे. और इसमें डालेंगे 2 या 3 teaspoon केचप. टमाटो केचप डालेंगे. और आप देख सकते हैं कलर भी कितना सुंदर आया है. और अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट पेपर पाउडर. आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं बट मैं इसमें व्हाइट पेपर पाउडर डाल रही हूँ. नाउ आई एम एडिंग 1 teaspoon क्रीम. आप क्रीम की जगह मलाई भी डाल सकते हैं 1 teaspoon. और इसमें डालेंगे 1 teaspoon बटर. बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. अब इसको 2 मिनट तक बॉयल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे. नाउ आई एम टेकिंग 1 pan, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. क्योंकि ये हेल्दी है इसलिए हम डीप फ्राई नहीं करेंगे ब्रेड्स को. तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ब्रेड लिया है जिसको पीसेस में कट किया है. और इसको रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे. हम रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाए. फाइनली सूप इज रेडी टू सर्व. तो हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ सूप को सर्व करेंगे. आपने इस वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें कोई शुगर नहीं डाली और कॉर्नफ्लावर भी नहीं डाला और सॉल्ट भी सिर्फ उतना ही डाला है 1 teaspoon जो बॉयलिंग के टाइम डाला था. बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बटर एंड थोड़ी सी क्रीम फॉर गार्निशिंग. और अब इसको सर्व करेंगे और आप भी बना के देखिएगा. और कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ देना ना भूलें. सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेड्स किचन. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.